चावल ले लिया, इनको तीन बार पानी में धो के साफ कर लेती हूँ। चावल धुल गए हैं और मैंने गर्म पानी पहले रख दिया था। अब इसमें चावल डाल देते हैं, अब इनको पकने के लिए डाल देते हैं। चावल पक रहे हैं, अब इनको पक देख लेते हैं कि चावल पके कि नहीं पके। नहीं पके, इनको पक चुके। अब इनको ठंडे कर, चावल ठंडे कर दिए, ठंडे हो गए हैं। डाल देते हैं चावल, डाल देते हैं। अब इनमें चीनी डाल देते हैं, अब इनको मिक्स कर लेते हैं। अब इनमें थोड़ा सा फ्रूट कलर डाल, इसको भी मिक्स कर देते हैं। मीठे चावल बनके तैयार हैं। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करना। बाय।